ओए मत करो यार, तुमको यही काम है क्या? ओए ओए नहीं, उसको कपड़े गंदे हो जाएंगे, ओए ओए कपड़े गंदे हो जाएंगे। बैठो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है 26 अक्टूबर, तो आज थर्ड वैक्सीनेशन है ओरियो की, तो अभी चलेंगे ओरियो को लेके हिसार। और ऐसा लग रहा है कि मतलब कल ही करवाई थी इसकी सेकंड वैक्सीनेशन, और पूरा एक महीना भी हो गया, पता भी नहीं चला। आपने देखा होगा ब्लॉग, फिलहाल अभी सो रहा है। कल मुझे दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो आज इसकी वैक्सीनेशन करानी ही पड़ेगी, बिकॉज आज ही डे है। कैसे देख रहे हैं? ओए क्या हुआ? क्या दिल्ली देखते हैं, प्लान बनाते हैं आज, देखते हैं क्या सीन है। चलेंगे नहीं तो कल आप दिल्ली की सैर कराएंगे गाइस, आपको भी आ जाओ। ली 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 आजी ली कितना प्यारा लग तू लड़कुलू। ओहो कपड़े टांग दिए, आज सारे कपड़े धो डाले मम्मी ने। ओए आराम से मारे खाएगा। हाँ ओरियो को लेके ऐसे भाग रहा है बेटा, स्टूडियो में आराम से चला कर। नमस्ते अम्मा, मम्मी जी कपड़े धोइंग, नमस्ते। वो पानी निकल गया, पानी निकल गया, पानी कहाँ रखना है। हाँ बाय द वे, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो वो मैं आपको आके बताऊंगा। देखो इसका ये टूट गया है, तो ये वाले बाइक ले जाएंगे, बिकॉज ये कंफर्टेबल है ओरियो के लिए भी और साहिल के लिए भी। अगर मुझे अकेले जाना होता तो मैं ये बाइक ले जाता। कल पता पीयूसी, कल 10 मिनट में हिसार पहुंच गया इसमें मैं। मत करना यार, ये साइकिल हटा। सही कह रही थी मम्मी, साइकिल रखने की जगह तो है नहीं। कोई पैसे तो लिए ही नहीं मैंने। पापा जी पैसे दो, कितने भी दे दो, टीका लगेगा ओरियो को और उसका एक वो ले आऊंगा। क्या हुआ क्या है, इनकी अलग ही लड़ाई हो रही है यार। साइकिल दिला तो दी गाइस इनको, अब ये लड़ रहे हैं पार्किंग के लिए, कहाँ पार्क करनी है। Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will. So अब एक साल तक कोई टेंशन नहीं है, एक साल के बाद इसको लगेगा टीका। End up in anger. I don't think we grew up. We just became older. She's aiming her words. ऑडियो को लेके मैं गया हिसार, और मेरे पीछे से पापा जी ने पूरा रूम बिल्कुल क्लियर कर दिया। एक चीज मैं टेबल देखो, टेबल एक एक पेंसिल अच्छे सजा दिए, देखना रिमोट कैंची इरेजर्स, देखो किस तरह से पूरा क्लीन कर दिया सब कुछ, इवन सब कुछ देखो एसी वगैरह, मतलब सब कुछ। दाल चावल बनाए, खाएगा ना दाल चावल? अरे दाल चावल हाँ खा लूंगा। डॉक्टर ने पता क्या बोला कि सर्दियों में 2 महीने में एक बार नहलाना, सर्दियों में, गर्मियों में महीने में एक बार, ऐसे बोला डॉक्टर ने। गर्मियों में एक बार, महीने में एक बार, कह रहे थे बालों में प्रॉब्लम होती है, स्किन में प्रॉब्लम होती है, इनको पसीना नहीं आता, मैला हो जाता है ना बहुत मैला, वो तो फिर बचा के रखना पड़ेगा। क्या देख रहे हो रे, खतरा खतरा। तो दिन भर ये बस ऐसे टीवी देखते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, और कुछ काम नहीं है। और मेरी बाइक में कुछ ऑब्जर्व करना, अगर आपको चेंजेस लग रहे हैं तो थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। अब देखो लग रहा है कुछ, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ देखो इस साइड में बिल्कुल सही है, ये सही है, बट इस साइड में ये टूट चुका है, ये देखो ये टूट चुका है, ये पूरा चेंज होएगा, तो इसकी वजह से मुझे पूरी बाइक में बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है, चलाने का ही मन नहीं कर रहा मेरा तो। और यहाँ पे स्क्रैच आए हैं, बाकी इधर तो कुछ नहीं हुआ। तो कल मैं कॉलोनी में यहीं लेके जा रहा था, तो एकदम से मोड़ने में 3 घोड़े दौड़ के आए, और मैं डर गया एकदम से, और एकदम से मैंने ब्रेक मारी, टायर फिसला और एकदम से गिर पड़ी, बट बच गया, रोक ली। अगर घोड़े में ठुकती तो बहुत कुछ हो सकता था, तो उसी चक्कर में ये टूट चुका है, अब इसको चेंज कराना पड़ेगा। हिसार जाएंगे, देखेंगे जो भी है, इसकी फर्स्ट सर्विस होनी है अभी, अभी 500 किलोमीटर हुए हैं, 500 बाकी हैं, 20 दिन बाकी है, 20 दिन में 500 कर लिए, 20 दिन में 500 और हो जाएंगे। खाली घोड़े थे ना, भाग के आ रहे थे वो, अगर आगे से आ रहे होते ना तो मुझे दिख जाते, मैं साइड में रोक लेता। वो मोड़ नहीं, मैं मोड़ रहा था, वो इधर को मुड़ रहे थे, ऐसे भागते हुए आ रहे थे वो। मोड़ने की बात होगी ना, अब मोड़ने में तो वैसे भी अगर ब्रेक मारूंगा तो तेज तो गिरेगी, तब गिर पड़ी। एकदम मुड़ती भी नहीं है। हाँ ये एकदम से मुड़ती भी नहीं है, इसका हैंडल, इसके लिए जगह चाहिए पूरी मोड़ने के लिए, तो इसीलिए गिर पड़ी।
हाँ फिर भी ठीक हुआ, चलो बच गए, उसमें ठुकी नहीं, रोक लिया मैं। अरे घोड़े में ठुकती, इतने बड़े बड़े घोड़े थे, इतने बड़े बड़े। रायता, दाल और चावल, तीन चीजें हैं आज लंच में। आज चल रही है वाटर कलर पेंटिंग प्रैक्टिस, जो ही कुछ इस तरह के, देखो जग वग में पानी, ग्लास व्लास में वाटर कलर वाटर सब कुछ ले रखा है, तो भी फिलहाल इतना हुआ है, सूखने देते हैं इसको थोड़ा। पीयूष कहाँ है? पीयूष जी इधर आ, चले घूमने साइकिल पे। हाँ? साइकिल राइड पे। निकाला। तो अपन चलाएंगे ये साइकिल। अबे अबे यार ताला लगा हुआ है, चाबी किधर है इसकी, चाबी किधर है इसकी, आपकी साइकिल की? इसका तो लॉक भी खतरनाक है, ये वाली तो बिल्कुल ही खराब है, खड़कती है बहुत ज्यादा, उससे बढ़िया तो ये है। बुला ले पीयूष को। देखो बंदूक वाला छल्ला किसके के चुरा के लाया है, चुरा के ही लाया होगा पक्की बात है। तो अभी तीनों भाई जाते हुए तीनों साइकिलों पे, एंड हम आज रॉक करने वाले। बिल्कुल चंपक लाल लगते हुए साइकिल में। क्या लगते हुए? दूध बेचते है। क्या दूध बेचता है भाई? ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये साइकिल कितनी कंफर्टेबल है तुमको पता नहीं है। अरे फालतू मत बोल, मैं ये साइकिल तेरे को दे दूंगा, ये वाली मैं ले लूंगा, और ये घर पे अकेला है यार, उसके लिए भी साइकिल ले लेता हूँ मैं, वो चला नहीं पाएगा। बट पहले हवा पर बातें, हवा नहीं है। हाँ अब तो तेरे को पीछे छोड़ दूंगा आराम से, अब दिखाता हूँ इनको मैं अपनी साइकिल का जलवा। क्या हुआ, कौन भाग के आ रही है? गाय? मेरी साइकिल में तो बहुत आवाज आ रही है। सारे गन्ने हैं, गन्ने गन्ने खाने हैं तो उखाड़ ले। देखिए सारे अमरूद हैं, ये देखो कितने प्यारे नज़ारे के बीच में घर, कितना अच्छा फील होता होगा इनको ट्रैफिक से दूर रहते हुए। तो अभी हम यहीं से वापस जा रहे हैं, बिकॉज आगे खेत ही खेत है, और हम थक चुके हैं यहाँ पे चला के, घुमा ले साइकिल होते हुए भी हम पैदल चल रहे हैं। सच्ची बताऊं तो मेरे पैरों में दर्द हो रही है, इसलिए मैंने करा साइकिल यहाँ पे चलाई नहीं जा रही मुझसे, ये वाली पैदल फिर भी चला जाएगा। हाय बच्चों, अब आए हैं तो फोटो तो खींच ही लेते हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, कहाँ पे रे? खेतों में साइकिल राइड पे, पीयूष साहिल और मैं, हम तीनों, अच्छा लगा ऑफ रोडिंग करते हुए, मेरे पैरों में दर्द होगी इसलिए मैंने इनको उतार दिया यहाँ पे, और फिलहाल यहाँ का नज़ारा कुछ अच्छा है थोड़ा बहुत। आपको ट्रैवल व्लॉग भी दिखा देते हैं अपने व्लॉग पे, थोड़े बहुत घर के आसपास के ट्रैवल व्लॉग वैसे प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लो तो एक बार हो जाए। और कल दिल्ली जाने का सीन था वैसे, जो कि आई थिंक कैंसिल हो जाएगा हमारा, बाकी देखते हैं आज शाम तक चल जाएगा पता कि कल दिल्ली जाना है नहीं जाना। ये पहले ही खुश हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि जा रहे हैं। मैं आज तक नहीं गया। वैसे जाएंगे ना, अच्छे से प्लान करके जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत जगह है घूमने की, तो अच्छे से जाएंगे, वहाँ पे होटल बुक कर लेंगे तो भी रहेगा। बेकार है, कंफर्टेबल फील नहीं होता, और कहता है टक्कर दिखा दे। नहीं नहीं आपको, तुम लड़ते क्यों रहते हो एक दूसरे की साइकिल के? दोनों को दिला दिया, कोई भी चला लो। तेरे कौन सी पसंद है, तेरे सैलदा वाली? हाँ हाँ है ना, पहले कहते बेकार है, फिर कहते हैं साइकिल दिखा दो चलाने के लिए। डोंट टच, मत, तुम लड़ते क्यों रहते हो हर टाइम? भाई तुम लड़ा मत करो, तुम हर टाइम साइकिल में लात मार रहा है। ओवर एक्टिंग मत कर, ठीक है? देखिए साइकिल में लात मार रहा है, तेरी मारू है? भाई देख, लोग आ रहे जा रहे, तुमको देख रहे, तुम लड़ रहे हो भाई। ओ मेरे को मत गिराओ तुम, ओए मत करो यार, तुमको यही काम है क्या? ओए नहीं गिरो, उसको कपड़े गंदे हो जाएंगे, ओए कपड़े गंदे हो जाएंगे, ओए नहीं, ओए तेरी साइकिल यहीं खड़ी है, तेरी साइकिल यहीं खड़ी है, ओए चलो तुम चलो, इसको बंद कर। हाँ पीछे ऐसे हरकतें मत कर, डॉन है, तेरी डॉन गिरी निकाल दूंगा मैं। अरे बस करो यार, क्या कर रहे हो तुम? चलो चलते हैं, व्लॉग नहीं बनेगा, चलो चलो। अच्छा हाँ वैसे व्लॉग ही बन रहा था ये तुम। अब चलो चलते हैं घर, सनसेट होने वाला, वो देखो वो रहा। हाँ साहब वो ऐसा लग रहा है, पता नहीं ऑरेंज क्या रखा हुआ, देख बलून, बट ये सन है गाइस, सन है ये। तो ये खड़ी पीयूष की साइकिल, ये खड़ी साहिल की साइकिल, जिसके लिए ऑलमोस्ट लड़ते रहते हैं दोनों के दोनों, और ये रही मेरी और ये मेरी साइकिल है। कुछ खिला दो मेरे भाई। पीसी साहिल को कुछ खिलाइए, इसको वहाँ पड़ा था कुछ, वहाँ पड़ा था कुछ। चले नमस्ते दाऊ भाई, कोई मिलता है ना उसको नमस्ते कर देना चाहिए।
उनको भी लगेगा कि संस्कारी लोग हैं। Looks like your blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know we... हाथ लगा उसको, हाथ लगा। खेलने के लिए। ओए। ब्लैकी। हेलो। इसे मिलने आते रहेंगे। बाय ब्लैकी। डिनर हो चुका है, अब बारी है ओरियो को बाहर घुमाने की। बट ये इसको रोज घुमाते हैं। बट ये पकड़ में ही नहीं आ रहा है गाइस, क्या करें? इसको देखना। यार ये पकड़ में ही नहीं आ रहा है, पकड़ो इसको। उसर, 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 उसर लो। इतनी तेज भाग रहा है ना ये। ओलू पकड़ो लू। ये टाइम बिल्कुल बेस्ट रहता है ओरियो को बाहर लाके इस तरह से गली में घुमाने का, क्योंकि यहाँ पे ना दिन में बहुत व्हीकल्स आते रहते तो डर लगता है और लोग भी घूमते हैं, लेकिन इस टाइम कोई नहीं आता तो अच्छे से आराम से घुमाओ। अभी देखो मेरे पीछे आएगा वो। ओली देखो आ गया ना पीछे पीछे। अब कोई टेंशन नहीं, घूमो फिरो, ऐश करो। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना। ब्लॉग आप देखते हो 10 मिनट का, बट उसको बनाने में और एडिट करने में गाइस बहुत मेहनत लगती है, जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा। एनीवेज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Desire you.